हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। कोई होमोजीनियस इक्वेशन है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे हैं उसको देख चुके हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इफ कोई होमोजीनियस फंक्शन है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज एन होमोजीनियस इक्वेशन, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई वेन एवर एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अगर इक्वल टू जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई। ये इक्वल टू जीरो होगा तो एम अपॉन एन बराबर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं एम अपॉन एन डी एक्स प्लस डी वाई, एम अपॉन एन डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो। ये फिर हमने यहाँ से लिखा है एम अपॉन एन डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो, यानी एन का डिवाइड कर लिया है, ये हो गया हमारे पास। बट एम अपॉन एन बराबर क्या है हमारे पास, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो माइनस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया हमारे पास। y का हमने दोनों तरफ डिवाइड कर लिया है तो ये हो गया डी एक्स अपॉन वाई माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग ऑफ लॉग एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू सी, एन लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी। तो ये हो गया लॉग एक्स अपॉन वाई बराबर लॉग सी। तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई बराबर सी एन एक्स बराबर सी वाई। अगर ये जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये होगा, अगर जीरो नहीं है तो उस मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन करना है हमें एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो फिर एम एक्स प्लस एन वाई, अब एम एक्स प्लस एन वाई, एम क्या है यहाँ पे, ये है हमारे पास एम डी एक्स। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होती है। तो एम ये रहा हमारे पास और एन ये रहा, एम डॉट एक्स का मल्टीप्लाई किया एन डॉट वाई का, दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो फ्रेंड्स इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, वो होगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा। अब इस इंटीग्रेटिव फैक्टर का हमें दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया हमने फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने क्या किया, अलग अलग टर्म में हमने डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो वन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स माइनस वन सॉरी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन वाई डी वाई। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वन अपॉन वाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया और माइनस, और साथ ही यहाँ से ये वाली टर्म एक्स अपॉन वाई डी, ये वाली टर्म हमने एक साथ लिख दी। और जो एक्स और डी एक्स सिंपली बन रहे थे हमारे पास, यानी एक्स का फंक्शन और डी एक्स वाई का फंक्शन और डी वाई, वो अलग लिख दिया हमने। तो ये हो गया, अब हमें चाहिए यहाँ पे कुछ बने हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। वाई स्क्वायर कॉमन एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसके लिए वाई का ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। ये फिर हम देखें ध्यान से, अब फ्रेंड्स वाई स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, जो कि डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स अपॉन वाई का। तो यहाँ से हमने सिंपली इसको करके ये लिख दिया एक्स अपॉन वाई माइनस टू लॉग एक्स, माइनस टू लॉग एक्स कहाँ से आया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया है, इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस टू लॉग एक्स, और इसका आ गया तो माइनस थ्री लॉग वाई, ये हो गया माइनस थ्री सॉरी प्लस थ्री लॉग वाई, माइनस आएगा फ्रेंड्स ये साइन। यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया था फ्रेंड्स, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म प्लस हो गई थी। तो ये हो गया हमारे पास प्लस लॉग वाई इक्वल टू सी, बेच कंप्लीट सॉल्यूशन।